तो कुछ ही देर में विष्णु देव साय का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, बस कुछ देर और इंतजार करना होगा। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, विष्णु देव साय सीएम पद की शपथ लेंगे, साथ ही साथ दो डेप्यूटी सीएम भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, थीम सॉन्ग के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजूद और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज छत्तीसगढ़ में नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जी हां, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ को उसका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं अपर्णा। और बिल्कुल बस थोड़ी ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तैयारियां किस तरह से की गई है, कितना भव्य यहाँ पर मंच तैयार किया गया है, कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और ये बड़ा दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है विष्णुदेव साय। थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे, साथ में दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समारोह में शामिल होने वाले, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। बस कुछ देर बाद यह भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है तब से अब तक छत्तीसगढ़ को कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने इस बार वो करके दिखाया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और छत्तीसगढ़ को उसका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है विष्णुदेव साय के रूप में, जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है, आदिवासी समाज से आते हैं, चार बार के सांसद, दो बार विधायक, केंद्र राज्य मंत्री और दो बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तब उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। विष्णुदेव साय के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री। 1990 में पहला विधानसभा चुनाव विष्णुदेव साय ने लड़ा था और अब थोड़ी ही देर बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ में दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बिल्कुल, दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे, उनका नाम भी सामने आ चुका है, अरुण साव या विजय शर्मा, ये दो संभावित चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। जी हां, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। और सियासी सफर देखिए आप विष्णुदेव साय का, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। 99 में रायगढ़ से सांसद रहे, 2004 में दूसरी बार सांसद बने, साइंस कॉलेज ग्राउंड में समारोह यहां पर हो रहा है। 1990 में तपकरा से विधायक चुने गए थे। बिल्कुल अपर्णा, और खास बात यह है विष्णुदेव साय के बारे में कि उन्होंने सरपंच का चुनाव जीता था। सरपंच का चुनाव जीतकर आज वो प्रदेश के मुखिया बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनका जो सियासी सफर रहा है संघर्षों से भरा रहा है, संघर्ष करके आज वो इस पद पर पहुंचे हैं। और ये बीजेपी की खासियत है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को बीजेपी कितना बड़ा पद दे सकती है वो आप देख सकते हैं। तीनों ही राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने ये बता दिया है। बीजेपी ने बता दिया है एक बार फिर कि वो अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। बीजेपी ने बता दिया है कि वो एक आम कार्यकर्ता को भी बड़ा पद दे सकती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, मोहन यादव की हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात हो, विष्णुदेव साय की बात कर लें, या राजस्थान में भजन शर्मा जो कि पहली बार के विधायक हैं अपना, अरुण साव मुख्यमंत्री और विजय शर्मा यहाँ उप मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोई मंत्री आज शपथ नहीं लेगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो मंच तैयार किया गया है वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पूजा पाठ
उससे पहले शपथ से पहले पूजा पाठ, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किसान परिवार में जन्म हुआ। और देखिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला ये शुरू हो गया है तमाम वीवीआईपीस। और इससे पहले ये देखिए साइंस कॉलेज मैदान की तस्वीरें, एक साइड आप देख रहे हैं, कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, मंच सज चुका है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और जैसे ही ये रायपुर पहुंचेंगे, साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ का शपथ लेगा और उसके साथ दो डिप्टी सीएम भी, अरुण साव जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव वो लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ और विजय शर्मा भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो यहां पर भी जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। और मंत्रिमंडल कैसा होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें भी जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। और यही वजह है कि आज कोई भी मंत्री पद की शपथ नहीं लेने वाला है, बस तीन शपथ होंगी आज, एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम। बिल्कुल, और तमाम तस्वीरें चाहे वो साइंस कॉलेज ग्राउंड की हो, मंच की, या फिर जो तमाम उत्साहित कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें हैं, किस तरह से जोश से भरे हुए हैं ये कार्यकर्ता, और या फिर शपथ से पहले भगवान का आशीर्वाद जो लिया, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और साथ ही पॉलिटिकल प्रोफाइल की जानकारी भी आपको दी जा रही है। देखिए इतनी तैयारी हमारी टीम ने की है ताकि आप तक पहुंचे हर जानकारी, सटीक जानकारी, कब राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, कौन कौन सी उपलब्धियां रही, कौन कौन से चुनाव में जीत मिली, तमाम जानकारी आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन को देखकर मिल जाएगी। सुमित, बिल्कुल, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री पद का सफर, विष्णुदेव साय, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से जो गाली चल रही है नीचे स्क्रीन पर, 2011 में दूसरी बार प्रदेश के अध्यक्ष बने, कई जिम्मेदारियां संभाली, 2023 में कुनकुरी से विधायक, 2014 में चौथी बार रायगढ़ से सांसद रहे। और जो शपथ ग्रहण ग्राउंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्थल की, यहाँ पर तीन मंच हैं, एक पर प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, सीएम विष्णुदेव साय होंगे और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। एक मंच तैयार किया गया है जहाँ पर साधु संत और समाज प्रमुखों को जगह दी गई है, और एक मंच है नव नियुक्त विधायकों के लिए। तो खास तैयारियां आज छत्तीसगढ़ के नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी ली गई हैं। हालांकि आज यहां भी मध्य प्रदेश की ही तरह कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा, यानी कि कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं होगा, दो उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट का गठन भी होगा, लेकिन आज कोई विधायक मंत्री पद की शपथ लेता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, मंत्रियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जो भी मंत्रिमंडल में होंगे उनको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, बीजेपी उनके बारे में सोचेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जातीय फैक्टर और क्षेत्रीय फैक्टर साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश में भी देखा हमने, एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ में भी वही देख रहे हैं हम, एक मुख्यमंत्री दो डिप्टी सीएम। मंत्रिमंडल होल्ड पर है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। तो शपथ ग्रहण स्थल पर बनाए गए हैं तीन मंच, एक मंच पर पीएम, सीएम और मेहमान रहेंगे, एक मंच पर साधु संत समाज प्रमुख बैठेंगे, एक मंच पर विधायक बीजेपी के मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें रायपुर से आपको देखने को मिल रही है, रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से यहां पर हाथ लाकर सभी का अभिवादन करते हुए आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय को। विष्णुदेव साय मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ अरुण यादव और विजय शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि
डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इंतजार है वो तिकड़ी का, मतलब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, वो पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल विष्णुदेव साय अपने नेताओं के साथ मंच पर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक यहां पर हाथ हिलाते हुए, गले लगकर एक दूसरे को बधाई देते हुए, और किस तरह से इस सरकार में समाज के हर हिस्से की हिस्सेदारी होगी ये भी सुनिश्चित किए जाने का खाका तैयार है। और उससे पहले जो जीत का जश्न, शपथ से पहले की खुशी, ये आप इन चेहरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर था जब कांग्रेस की सरकार थी, सीटों में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन उसको कवर किया, बम पर जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री हम कहेंगे इसको, बीजेपी की विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय, बड़े आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ का, और पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को आज मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, लगातार मांग उठती रही, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से मांग उठती रही कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने करके दिखाया। जी हाँ, बीजेपी ने इस बार करके दिखाया है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर। आज वो शपथ लेंगे और ऐतिहासिक दिन आज साइंस कॉलेज ग्राउंड गवाह बनेगा आज के इतिहास का। तो अब सब चुने हुए विधायक यहां पहुंच चुके हैं, विष्णुदेव साय यहां पहुंच चुके हैं, और कुछ इतने उत्साह में हैं, सुमित देखिए कि स्टेज से लगातार हाथ हिला हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब इंतजार है उन विशिष्ट मेहमानों का जो खास तौर पर आज के इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच रहे हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, अरुण साव विजय शर्मा को डेप्यूटी सीएम के लिए चुना गया है वो भी शपथ लेंगे। आज कोई मंत्री यानी कि कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा, लेकिन जल्द ही आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही कैबिनेट का गठन भी कर दिया जाएगा। विष्णुदेव साय की कैबिनेट कैसी होती है इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि किस तरीके से वो प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कैबिनेट में किस किस को शामिल करते हैं, किसको कितनी हिस्सेदारी देते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो सफर विष्णुदेव साय का रहा है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग रहा है, रोमांचक रहा है, इस नजर से कि देखिए सरपंच का चुनाव जीता, सियासत के पहले पायदान से लेकर अब शीर्ष तक पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, लगातार मेहनत करते रहे और इसीलिए समय समय पर पार्टी उन्हें अलग अलग पद, अलग अलग जिम्मेदारी भी देती रही। और कुनकुनी सीट से इस बार 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करने के बाद उनके नाम का जैसे ही ऐलान हुआ कि विधायक दल के नेता के तौर पर उन्हें चुना गया है, हर कोई उल्लास में, खुशी में नजर आया, क्योंकि प्रदेश को ये पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलना जा रहा है। बिल्कुल उत्साहित हैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, उत्साह से लबरेज विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में उनका जन्म हुआ, अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जशपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त की, और 1991 में कौशल्या देवी से उनकी शादी हुई थी। काफी संघर्षपूर्ण उनका ये जीवन रहा। सरपंच का चुनाव पहला जीते थे वो, उसके बाद अब प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से सोचती है अपने कार्यकर्ता के बारे में। बीजेपी के बड़े नेता हमेशा से कहते आए हैं कि एक साधारण सा कार्यकर्ता भी एक बड़े पद पर पहुंच सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं हमने देखे, और सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने इस समय विष्णुदेव साय।
आम कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो कि अब छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे। पेशे से एक किसान और राजनीतिक विष्णुदेव साय भारत की 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं और भारत सरकार के इस्पात और खान राज्य मंत्री भी रहे। वे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बनने जा रहे हैं। और ये मंच तैयार किया गया है, इस मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर विष्णुदेव साय को तमाम जो विधायक चुनकर आए हुए हैं वो सभी उनके साथ, और ये पूरी टीम एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर सेना के अनुशासित सिपाहियों की तरह यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हाथ लाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका जोश बढ़ाते हुए, क्योंकि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। पिछली बार 15 साल के बाद कांग्रेस को सत्ता दी गई थी और वहीं बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, उज्जैन रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। उज्जैन रवाना हुए हैं जहां बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे मंत्रालय में अपनी पहली बैठक लेंगे, यानी कि वर्क मोड में आने से पहले बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आगे का सफर जो है वो बखूबी वो तय कर सके और बाबा का आशीर्वाद साथ बना रहे। बिल्कुल, अपने दो साथियों मतलब दो डिप्टी सीएम के साथ रवाना हुए हैं मोहन यादव, दोनों ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। और मोहन यादव बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उज्जैन रवाना हुए हैं डिप्टी सीएम भी, मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी अपने पद की शपथ लेने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन रवाना हुए। उज्जैन से ही आते हैं मोहन यादव, इससे पहले भी हमने देखा था बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए पहुंचे थे और जब एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी, बेहद बड़े पद पर वो पहुंच चुके हैं तो एक बार फिर से महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं उज्जैन मोहन यादव, दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। और उसके बाद आज बैठक भी होनी है, मंत्रालय में बैठक भी लेंगे, कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही एक्शन मोड वर्क मोड में आ जाएंगे मोहन यादव। उज्जैन से लौटने के बाद मंत्रालय में बैठक भी आज होनी है मुख्यमंत्री की। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी, एक बेहद बड़े पद पर काबिज होने के बाद भगवान का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव सबसे पहले शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे भोपाल से उज्जैन के लिए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना हुए। उज्जैन उनकी जन्म स्थली होने के साथ साथ ही कर्म स्थली भी है, वो उज्जैन के रहने वाले हैं, तो बाबा महाकाल का एक अलग ही उनके लिए महत्व है और वो हमेशा मंत्री बनते से, उन्होंने सीएम बनते से भी कहा था कि ये सारा बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। तो आज वो अभी उज्जैन के लिए निकल चुके हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही वो अपने रूटीन नियमित कामकाज की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वो वापस भोपाल अपने घर भी जाएंगे उज्जैन में, वहां अपने बुजुर्ग पिता के से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, अपने घर से फिर वहां से सीधे भोपाल के लिए रवाना होंगे और भोपाल आने के बाद फिर वो यहाँ मंत्रालय में एक बड़ी बैठक लेंगे जहाँ पर सीएस जीरा राणा और सभी जितने पीएस एसीएस है सभी को बुलाया गया है, अब रूटीन कामकाज की बैठक शुरू होगी। और आज बिल्कुल बाबा का आशीर्वाद पहले और उसके बाद यहाँ अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे। शैलेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे सीएम मोहन यादव की मीटिंग को लेकर भी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर ले चलते हैं जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर शपथ ग्रहण अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। सुनिए, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है क्योंकि इस समारोह में
प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों ही दिग्गज बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड से लाइव तस्वीरें आपके सामने। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं। उत्साह से लबरेज बीजेपी के सभी कार्यकर्ता। मंच पर पहुंच चुके हैं विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा। अरुण साव और विजय शर्मा आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो बताएंगे हमें न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद खास दिन है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ को उसका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर अभिषेक? सभा स्थल खचाखच सुमित भर चुका है। हम लगभग 1 लाख लोगों के आसपास ये सभा स्थल में इस वक्त लोग भरे हुए हैं और पैर रखने की जगह नहीं है। उत्साह जबरदस्त है क्योंकि मंच पर उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। एक 3 मंच यहां बनाए गए। मैं अपने साथी मनीष से कहूंगा कि फोकस करें, विधायक जहां पर पहुंच चुके हैं, जीत कर पहुंचे हुए जो विधायक हैं 54 विधायक, वो एक मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे और इस मंच पर तमाम विधायक बैठे। इनको देखकर कार्यकर्ता भी उत्साहित हो रहे हैं। अजय चंद्राकर से लेकर राजेश मुड़त, पुन्नूलाल मोहले, नवनिर्वाचित ईश्वरचंद साहू, तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जो थी रेणुका सिंह, जो अब विधायक है भरतपुर सोनत से, वो मंच पर बैठी हुई है। तो तमाम जो विधायक है वो मंच पर आसीन है, जिनको देखकर कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साहित है। पूरा जो सभा स्थल है राम जाहिर तौर पर उत्साह में है कार्यकर्ता। अभिषेक, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। अभी आपने तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा था, वो भी पहुंच चुके हैं। यानी कि तमाम बड़ी हस्तियां, विशिष्ट मेहमान जिन्हें रायपुर पहुंचना था वो सभी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रायपुर। जैसे ही तस्वीर सामने आएगी आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 पर। और विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बेहद खास दिन। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तो मौजूद रहेंगे ही, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इंतजार था प्रधानमंत्री का, रायपुर आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे साइंस कॉलेज। अभिषेक, बिल्कुल, साइंस कॉलेज में बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। और जो तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, वो एक मंच है जहां पर साधु संत और समाज प्रमुखों को जगह दी गई है। 3 मंच बने हुए हैं, एक में विधायक बैठे हैं जो हमने अभी आपको दिखाया था, और जो एक किनारे का मंच है वहां पर साधु संतों को जगह दी गई है। तो तमाम साधु संत वहां पहुंचेंगे, समाज प्रमुख वहां पहुंचेंगे और वो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। बीच का जो मुख्य मंच है वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। माथुर इस वक्त नजर आ रहे हैं, जामवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओम माथुर इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं रायपुर और प्रधानमंत्री के साथ सभा स्थल आएंगे। यहाँ पर बेसब्री से उस वक्त उनका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, ओम माथुर, ये वो चेहरा जिसके लिए कहा जाता है कि जो ये बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हासिल हुई उसके पीछे बड़ी भूमिका थी। और किसी भी वक्त अभिषेक यहां शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी अब दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। पीछे हेलीपैड बना हुआ, उस हेलीपैड पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और वहां से उनका जो काफिला है, जो नजदीकी है, वो सभा स्थल पर पहुंचेगा। तो इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद यहां मंच पर आएंगे। मंच पर बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है, कार्यकर्ता लाखों यहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं।
विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार उस पल का जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने पहली सभा इसी ग्राउंड से की थी और इस ग्राउंड पर ही शुरुआत हुई थी। एक तरह से बीजेपी ने बदल के रहे वो का जो नारा प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया था और आखिरकार इसी मंच पर जुलाई में प्रधानमंत्री की पहली सभा थी और उसके बाद आज दिसंबर में जीत के साथ प्रधानमंत्री ये सभा यहाँ करने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल अभिषेक, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जब चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। ये लाइव तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रायपुर पहुंचे तो उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साक्षी बनेंगे आज के इतिहास के। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कई बड़ी हस्तियां आज पहुंच रही हैं साइंस कॉलेज मैदान में रायपुर में, उनमें से एक हैं योगी आदित्यनाथ भी। जी अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अभिषेक से, जो कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की जब वो रायपुर पहुंचे थे और कुछ ही देर में साइंस कॉलेज मैदान भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच चुके हैं, वो भी अब कुछ ही देर बाद साइंस कॉलेज मैदान में हमें नजर आएंगे कार्यक्रम स्थल पर, मंच पर। और जैसे ही वो पहुँचेंगे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल विष्णुदेव साय, अरुण साव, ओ माथुर, विजय शर्मा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंच चुके हैं। साधु संतों के लिए भी एक मंच बनाया गया है अलग से और एक मंच है बीजेपी के तमाम विधायकों के लिए। विपक्ष को भी न्योता भेजा गया है। जी हाँ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज। देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष हिस्सा लेगा इस शपथ ग्रहण समारोह में। अगर लेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर हमें साइंस कॉलेज मैदान से देखने को मिलेगी। अगर भूपेश बघेल, दीपक बैज और टीएस सिंहदेव पहुंचते हैं तो छत्तीसगढ़ में अब विष्णु राज होगा। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के रूप में शपथ आज लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद साइंस कॉलेज ग्राउंड भी वो पहुंच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी रायपुर पहुंच चुके हैं, वो भी कुछ देर बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां पूरी हैं। छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं साइंस कॉलेज मैदान कार्यक्रम स्थल। साधु संत आ चुके हैं, सभी विधायक आ चुके हैं, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सभी इंतजार कर रहे हैं और किसी भी वक्त तस्वीरें सामने आ सकती है जब प्रधानमंत्री आपको उन तस्वीरों में दिखाई देंगे। और विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, स्टार प्रचारक भी रहते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखी जब वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। और अब प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर पहुंचने की सूचना आ चुकी है, अब किसी भी वक्त वो यहाँ पर होंगे। हेलीकॉप्टर से यहाँ फिलहाल सभा स्थल तक पहुंचेंगे और आपको थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की देखने को मिल जाएंगी। उससे पहले ये मंच जो आपको दिखाई दे रहा है इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक मंच में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठेंगे। एक मंच समाज प्रमुखों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए और मंच का एक हिस्सा तमाम चुने हुए जो नए विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनके बैठने की व्यवस्था
मंच के एक हिस्से में की गई है। तीन हिस्सों में ये मंच बांटा गया है और जो कार्यकर्ता हैं दर्शक दीर्घा में वो तमाम उत्साह में, वो कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, जोश से लबरेज हैं। कुछ के चेहरे पर तो उन्होंने मास्क लगा रखा है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाला सिंबॉलिक, कि हर कार्यकर्ता बीजेपी का वो नरेंद्र मोदी है, यानी कि उतनी ही जिजीविषा, उतनी ही कर्मठता पार्टी की मजबूती के लिए। और यही शायद पार्टी की जीत है कि पार्टी का जो मोटो है, मंत्र है काम करने का, कि हर बूथ मजबूत, यानी कि बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ता उतनी ही मेहनत दिखाते हैं। और यही वजह है कि 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार को यहाँ पर बदल कर रख दिया। पहले 15 साल यहाँ बीजेपी का राज रहा, फिर बघेल सरकार 5 साल के लिए आई और 5 साल में ही वापसी, और वो भी प्रचंड जीत बीजेपी ने प्रदेश के अंदर हासिल की। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। पहले कार्यक्रम 2 बजे का था, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कार्यक्रम से रवाना होने के बाद, क्योंकि तमाम मेहमानों को यहाँ भी पहुँचना था तो वहाँ समय लगा, इसीलिए यहाँ के समय को भी बहुत संभावना इस बात की है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, 4 बजे का समय किया गया। और उसके बाद अब यहाँ थोड़ी देर में आपको शपथ ग्रहण करते हुए विष्णुदेव साय दिखेंगे। उससे पहले सभी को इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुँचने का, और वो भी किसी भी वक्त, तस्वीरों में आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड। जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक शुक्ल बता रहे थे कि यहीं से ही शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रचार की भी, और यहीं पर नारा भी दिया था। सुमित, बिल्कुल यहीं पर नारा दिया था कि अब नहीं सहवो बदल के रहे, वो बदल कर रख दिया है सरकार को, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका एक तरीके से हम कह सकते हैं। जैसा कि बीजेपी कहती आई थी कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, कई आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, कई सारे आरोप थे। बदला, जो कहा वो किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था बदल के रही, वो बदल दिया सरकार को, और यहीं पर जनता को भी न्योता दिया था, जनता को भी न्योता दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह में आपको शामिल होने के लिए मैं न्योता देता हूं, मैं भी आऊंगा, और आ रहे हैं, आ भी गए हैं। कुछ ही देर बाद साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, रायपुर पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार है। किसी भी पल प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज मैदान में हमें नजर आएंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं, विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा, 2 डिप्टी CM भी आज शपथ लेंगे। लेकिन मंत्रियों को अभी इंतजार करना होगा, मंत्रियों को थोड़ा अभी इंतजार करना होगा कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसे जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ही शपथ है। मंच पर सभी दिग्गज बीजेपी के पहुंच चुके हैं, बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं, 3 मंच हैं, एक मंच पर पीएम मोदी होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे और जो शपथ लेने वाले नेता हैं वो होंगे, दूसरे मंच पर साधु संत हैं। सनातन की बात बीजेपी हमेशा से कहती आई है, सनातन को आगे बढ़ाने की, सनातन का झंडा बुलंद करने की, वो छवि भी हमें आज दिखाई दे रही है साइंस कॉलेज मैदान में। एक मंच साधु संतों के लिए भी है तो, और तीसरा मंच है बीजेपी के सभी विधायकों के लिए। 3 मंच बनाए गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, उस ऐतिहासिक पल की शुरुआत हो जाएगी जिसका छत्तीसगढ़वासी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही मांग थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन सरकारें आईं और गईं, ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन जो नहीं हो पाया बीजेपी ने कर दिखाया।
बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को उसका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रूप में दे दिया। और ये भीड़ देखिए आप, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ यहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं, ये तमाम समर्थक हैं जो पहुंचे हैं आज के इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, जब प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। और जाहिर सी बात है, इसीलिए इस पल का गवाह बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग उमड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, जहां तक नजर जा रही है भगवा भगवा रंग दिखाई दे रहा है बीजेपी के झंडे लिए, बीजेपी के गमछा अपने गले में डाले हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। भगवा रंग, पूरा साइंस कॉलेज आज भगवामय हो चुका है, बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है यह मैदान। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जनसैलाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, तस्वीरें बता रही हैं कि बदलाव की बात कार्यकर्ता करता रहा चुनाव के दौरान, और बदलाव कार्यकर्ता ने ही करके दिखाया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये अभियान बीजेपी की तरफ से चला, हर चुनाव में चला, और बूथ को मजबूत करने का काम किया बीजेपी के कार्यकर्ता ने। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मंच पर पहुंचे थे तमाम नव निर्वाचित विधायक, और उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ इस खचाखच भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जब समर्थक उमड़े हुए हैं तो उनको देखकर हर कोई गदगद है, और इसीलिए यहाँ जो नए चुनकर विधायक आए हैं, नव निर्वाचित विधायक, वो भी काफी खुश उत्साह में दिखाई दिए। और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, रायपुर पहुंच चुके हैं, कुछ देर में मंच पर नजर आएंगे, आपको किसी भी वक्त तस्वीरों में दिखाई दे सकते हैं। और विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे, दो डेप्यूटी सीएम, कोई मंत्री यानी कि कोई विधायक आज मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा, लेकिन जल्द ही कैबिनेट का गठन भी कर दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और विष्णुदेव साय का सियासी सफर यहां पर पहुंचने तक कैसा रहा, वो जानकारी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सियासत की एक के बाद एक सीढ़ी वो चढ़ते चले गए। 2023 में कुनकुरी विधानसभा से जनता ने उन्हें चुना, 25,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत कर आए। ब्रजमोहन अग्रवाल भी पहुंच चुके हैं मंच पर, बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी मंच पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे सभी नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और बस इंतजार है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम नेता आ रहे हैं, बीजेपी के आने का सिलसिला जारी है। ब्रजमोहन अग्रवाल आपको नजर आएंगे, धर्मलाल कौशिक आपको नजर आएंगे, रमन सिंह आपको नजर आएंगे, नारायण चंदेल आपको नजर आएंगे, संगठन के कई नेता आपको नजर आएंगे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकजुट होकर बीजेपी ये चुनाव लड़ी और उसका नतीजा ये रहा कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को इस बार
विधानसभा चुनाव में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और बीजेपी पार्टी उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत का असर ये रहा कि 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसी बीच मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर, उज्जैन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां महाकाल के दरबार में जाएंगे महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं मोहन यादव, और बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के बाद वापस रवाना होंगे, जहां शाम को 5 बजे उनकी बैठक है। तो देखिए, जब विधायक दल की बैठक से पहले करीब 24 घंटे पहले भी यहां बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद विधायक दल की बैठक के लिए निकले थे, और उसके बाद उनके नाम का ऐलान हो गया, और अब आज अपने कामकाज की औपचारिक शुरुआत से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। बिल्कुल, उनके जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा दिन हम कहेंगे मोहन यादव का, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। बात छत्तीसगढ़ की कर लें, कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, अरुण साव और विजय शर्मा दो डिप्टी सीएम भी आज अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं, किसी भी पल वो साइंस कॉलेज ग्राउंड में होंगे। योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं रायपुर, और भी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बेहद ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, बीजेपी के लिए। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लगातार उठती आई जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, लेकिन अभी तक जो नहीं हुआ वो बीजेपी ने एक बार फिर से करके दिखाया है। अपने बड़े फैसलों से बीजेपी सबको चौंकाती आई है, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबको चौंकाया विष्णुदेव साय को आगे करके मुख्यमंत्री बना के, दो डिप्टी सीएम, मतलब यूपी वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू बीजेपी ने इस बार कर दिया है। दोनों ही राज्यों में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं इस बार। फिलहाल मंत्रिमंडल के लिए अभी इंतजार करना होगा कि विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन को किस पद की जिम्मेदारी, किसे किस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी ने कई सारे फैक्टर ध्यान में रखे, चाहे वो जाति फैक्टर हो या क्षेत्रीय फैक्टर हो, तो संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में भी ऐसे कई फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो जाति समीकरण को साधें, क्षेत्रीय समीकरण को साधें। एक संतुलित मंत्रिमंडल हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि हर एक फैक्टर को भांपते हुए, हर परिस्थिति को भांपते हुए ये पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए आप, अमित शाह, और जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे थे उस समय की तस्वीरें आपके सामने, और अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, बहुत बड़ी भूमिका जिनकी रही है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है उन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में बेहद बड़ी भूमिका रही अमित शाह की, वो आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे, और बीजेपी प्रमुख मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। इंतजार सब कर रहे हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए योगी आदित्यनाथ
लोगों से मुलाकात करते हुए। सभी धर्म गुरुओं से मिलने के बाद अब मंच की ओर आगे बढ़ते हुए, जिस तरह सुमित ने बताया, अमित शाह मंच पर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर है, और अब उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री धामी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ पर देखिए हल्की फुल्की बातचीत और सभी अपना अपना आसन ग्रहण करते हुए अब बस कुछ ही देर में, कुछ ही पल कह लीजिए, जब प्रधानमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, छत्तीसगढ़ की नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह, ये जेपी नड्डा को आप हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए देख सकते हैं। सभी बेहद खुश, क्योंकि इस जीत के लिए, ये जो प्रचंड जीत मिली है, विपक्ष भी आ गया है, विपक्ष भी आ गया है। देखिए टीएस सिंहदेव आपको नजर आ रहे हैं मंच पर, अपना टीएस सिंहदेव भी पहुंच चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंच चुके हैं, और भूपेश बघेल ओम माथुर से मुलाकात करते हुए। देखिए विपक्ष की मौजूदगी भी यहां पर है, बिल्कुल लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर से हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर। और ये तस्वीर बताती है कि राजनेताओं में मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते, क्योंकि बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में, आमंत्रित किया गया और पहुंचे भी टीएस सिंहदेव। दो फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री कह सकते हैं, असम के हिमंता बिस्वा सरमा और यूपी के योगी आदित्यनाथ, दोनों साथ साथ बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है सुमित, तो इनके लिए बहुत डिमांड रहती है, दोनों ही नेताओं के लिए स्टार कैंपेनर्स हो जाते हैं, सभी चाहते हैं कि ये उनकी विधानसभा में आकर उनके लिए प्रचार करें। बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं कि ये दोनों नेता जरूर आए उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। बिल्कुल स्टार प्रचारक हैं ये, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। नितिन गडकरी भी आपको नजर आ रहे होंगे अमित शाह के साइड में बैठे हुए, जेपी नड्डा उनके पीछे भी नेता कई बैठे हैं, ओम माथुर बैठे हुए हैं, धामी जी बैठे हुए हैं, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की जब एयरपोर्ट पहुंचे थे, वो भारतीय वायुसेना के विमान से एयरपोर्ट पहुंचे, और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के समय मंच पर मौजूद, विपक्ष भी साथ देता हुआ, भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव भी मंच पर मौजूद हैं, रमन सिंह के बगल में भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा सरमा, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पुष्कर सिंह धामी समय पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री भी, और सभी को इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री के पहुंचने का अभी यहां पर है। तमाम और विशिष्ट मेहमान पहुंच चुके हैं मंच पर, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, नितिन गडकरी, ओम माथुर, जेपी नड्डा, अमित शाह, और अब देखिए मोदी मोदी के नारे भी पीछे जो कार्यकर्ता हैं लगातार लगा भी रहे हैं, और उन्हीं के पहुंचने का इंतजार भी है। बिल्कुल अपना आपसे किसी भी पल प्रधानमंत्री मोदी हमें मंच पर नजर आएंगे, किसी भी पल पीएम मोदी अब मंच पर पहुंच सकते हैं, कुछ ही पलों का इंतजार बस है, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे, सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से उन्हीं का इंतजार है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, नितिन गडकरी, अमित शाह, ओम माथुर, पुष्कर सिंह धामी, जेपी नड्डा, एक ही फ्रेम में ये देखिए तस्वीरें। ओम माथुर जो कि प्रभारी रहे बीजेपी के, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई विधानसभा चुनाव की, और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, सरकार बना दी। जी हां, और सभी ने यहां पर मेहनत की है, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर हर एक पद पर बैठे हुए नेता ने, नतीजा यही रहा कि प्रचंड जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली। और देखिए यहां पर साधु संतों का जमावड़ा भी है, और समाज के हर वर्ग का प्रमुख यहां पर उन्हें स्थान मिला है, और ये खास व्यवस्था आज के इस खास मौके के लिए की गई है। मंच के तीन हिस्से
सेंटर में तमाम बड़े दिग्गज और एक तरफ नव निर्वाचित विधायक और एक तरफ समाज प्रमुख, धर्म गुरु, उन सभी को स्थान दिया गया है। सभी का सम्मान, सभी का स्थान। और देखिए विपक्ष की मौजूदगी भी, ये टीएस सिंहदेव जब आए उस वक्त की तस्वीरें, भूपेश बघेल भी आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह भी आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल के दूरियां में नहीं बैठे। हाँ, ये दूरियां बहुत कुछ बता रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि हमने देखा था डॉक्टर रमन सिंह उनके बगल में बैठे थे, भूपेश बघेल की जो कुर्सी खाली थी। सुमित, तो हो सकता है कि प्रोटोकॉल कोई ऑर्डर भी हो कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री साथ बैठ रहे हो, कुछ इस तरह की व्यवस्था भी शायद यहाँ पर की गई हो, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये भी संभव है और शायद नाम भी लिखे हुए हैं अपर्णा जी कुर्सियों पर, तो उसी व्यवस्था में सब बैठते हुए ताकि जो एक डेकोरम है, डिसिप्लिन है, वो मेंटेन रहे। और फिलहाल मंच की और तमाम मेहमानों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जेपी नड्डा कुछ बातचीत करते हुए यहां पर, अमित शाह, नितिन गडकरी भी मौजूद। बीजेपी की फ्रंट लाइन लीडरशिप इस समय साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद है, हॉटस्पॉट बना हुआ है साइंस कॉलेज का ये मंच। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के आपको यहां पर आज नजर आएंगे। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे ही पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। अमित शाह जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके बनाए चक्रव्यूह को कांग्रेस भेद नहीं पाई, काट नहीं पाई, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या राजस्थान की बात हो, तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की। हर एक प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझने की उनकी ये कला, उनकी ये समझ अमित शाह की उन्हें अलग बनाती है बाकी राजनेताओं से। सीएम भूपेश बघेल की ये तस्वीरें, कका 5 साल मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, लेकिन इस बार शायद जनता बदलाव चाहती थी, 5 साल में ही जनता ने उनको नकार दिया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा, काफी चर्चाएं इनकी भी रही 5 साल तक, हालांकि अपनी सीट नहीं बचा पाए। सुमित, बिल्कुल, और कई मीडिया कर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद है, हर एक तस्वीर को कैप्चर करने के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है, चप्पे चप्पे पर हमारे कैमरे, हमारे सहयोगी आपको नजर आएंगे जो कि डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। मोहन यादव पहुंच चुके हैं उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं, पूरे विधि विधान से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, गर्भगृह की तस्वीरें ये देखिए, उज्जैन पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, शपथ लेने के तुरंत बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी
बीजेपी ने उनको दी है। और कार्यभार शुरू करने से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी समझा मोहन यादव ने। वो ठीक बात भी है कि जब कोई बड़ा कद आपको मिले, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो भगवान का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी होता है। काफी धार्मिक प्रवृत्ति के मोहन यादव माने जाते हैं, हर एक धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही आते हैं और जाहिर तौर पर यहाँ पर अपने काम की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। संध्या आरती का समय हालांकि 5 बजे के बाद होता है संध्या पूजा का समय, लेकिन उससे पहले आज विशेष पूजा के लिए, बाबा के खास दर्शनों के लिए, उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए मोहन यादव यहाँ पहुंचे हैं। और हो सकता है कि कोई विशेष पूजा भी उनकी ओर से यहाँ पर की जाए, अभिषेक बाबा का करा सकते हैं वो यहाँ पर उन्हें। और अभी देखिए आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन के जरिए बाबा का दर्शन आप भी कर पा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की हलचल, छत्तीसगढ़ में जहां कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है, 4 बजे का समय है, 7 मिनट अभी बाकी हैं। उससे पहले कि यहां पर आप मूवमेंट को देखकर समझ सकते हैं कि अब कभी भी किसी भी वक्त यहां प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी आपको मंच पर नजर आएंगे, और उससे पहले जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए विजय शर्मा, अरुण साव और विष्णुदेव साव, ये तीन चेहरे जो आज शपथ लेने वाले हैं। और देखिए तीनों यहां पर अभिवादन स्वीकारते हुए आप तीनों को यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आप तीनों को ही सामंजस्य बैठाते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। साथ में मंत्रिमंडल भी होगा, कौन कौन से मंत्री होंगे इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये तीन नाम, विष्णुदेव साय, कैलाश शर्मा और अरुण साव, साथ में तीनों ये तस्वीर दिखा रही है। बिल्कुल, ये तिकड़ी अब इन तिकड़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन तीन चेहरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अगले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखते हैं, क्या स्वरूप छत्तीसगढ़ का बदलेगा, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इन तीनों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने होंगे, किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। बड़ा पद बड़ी